उम्मीद करती हूँ सभी सुरक्षित हों, स्वस्थ हों। आज हम एक यूनिक आर्ट पीस बनाएंगे। मैंने स्ट्रेट बॉक्स का यूज किया है मिठाई के डिब्बे का, तो हमने उसको कंपास की हेल्प से तो मैंने राउंड बना लिया है, तो एक फ्लावर की शेप में फ्लावर्स बनाए जाने हैं। तो फ्लावर मैंने इसके फ्लावर बना लेंगे। कंपास को कैसे भी करके आप इसको फ्लावर्स की शेप बना सकते हैं, तो मुझे ये इजी लगा तो मैं इसके अकॉर्डिंगली तो मैंने ये फ्लावर्स उसको अपने अकॉर्डिंगली कर लिया। आप इसके कंपास की साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, जो भी आपको डिज़ाइन पसंद हो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना आर्ट पीस बना सकते हैं। तो मैंने इसके बाद मैंने राउंड राउंड ये सर्कल लगा दिए हैं इस पर इंक्रीज कर और डिक्रीज कर, तो हमारे एक यूनिक सा एक लुक हमारे सामने आ गई है। तो उसके बाद मैंने ये वाइट कलर का यूज़ किया है, एक्राइलिक कलर का फैब्रिक का है इसके। उसके बाद मैंने येलो कलर का यूज़ किया है और पिंक कलर का भी मैंने यूज़ किया है। उसके ऊपर मैंने रेड कलर की जो पंखड़ी जो बनाई है रेड कलर का यूज़ किया है इसमें। तो ऐसे ही धीरे धीरे कर तो रेड कलर हमारा ये फिल हो गया है। उसके बाद अब हम इसको थोड़ा सा डबल कोट ट्रिपल कोट कर देंगे। उसके बाद मैंने इसके थर्ड लेयर पे तो मैंने ग्रीन कलर का यूज़ किया है। ग्रीन अप्लाई आप दो कोट कीजिए ताकि उसके साथ हमारी थोड़ा सा कलर में जान आ जाए कि सुंदर लगे। और उसके बाद मैंने येलो कलर का यूज़ किया है। येलो कलर आपके सामने है, देखो निखरकर कलर जा रहा है। एक सिंपल सा कोई भी आर्ट पीस बनाए तो उसमें आप कोई भी कलर्स कर सकते हो, पसंद आपके कलर्स के हैं। तो मैंने अभी इसमें लास्ट जो हमारी है टॉप्स हैं जो ट्रायंगल्स हैं उसमें मैंने ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया है। ऑरेंज कलर के साथ हमारी थोड़ी सी लुक और भी अच्छी लगने लगी है, कलरफुल बहुत लगने लग गया है। उसके ऊपर मैंने वायलेट कलर का यूज़ किया है, एक्रेलिक कलर का। तो मैंने दो से तीन कोट हरे कलर के यूज़ किए हैं ताकि जो हमारा कलर की लुक है तो उससे और ब्राइट और अच्छा लगता है और दिखने में हमारा आर्ट पीस ऐसे मैं आपको अभी वीडियो में दिखा रही हूँ और सामने देख रही हूँ बहुत अच्छा पीस लग रहा था क्योंकि कलर्स इसके बहुत तो ही अच्छे लग रहे थे। उसके बाद मैंने मार्कर का यूज़ किया है। आप चाहे कोई भी कलर स्केच या कुछ की कलर्स के साथ आप आउटलाइन कर सकते हैं। मैंने जस्ट एक ब्लैक मार्कर का यूज़ इसलिए किया है ताकि थोड़ी सी इसमें बोलते हैं ना कि थोड़ा सा एक लुक अच्छी आ जाए एक इसलिए। उसके बाद मैंने इसके जो कॉर्नर्स हैं डिब्बों पे जो पड़े थे तो उसके मैंने ब्लैक करके हरे कलर के साथ इसको कवर कर दिया है सारे ही कॉर्नर्स को। उसके बाद मैंने अभी इसमें यूज़ किए हैं टूथपिक और ईयरबड्स। उसके साथ मैंने ये डॉट डॉट लगा कर अपना फेस की फिनिश है उसकी पूरी की है। तो सभी में मैंने रेड येलो वाइट कलर का यूज़ किया है। तो ईयरबड्स की हेल्प से मैंने ईयरबड्स और टूथपिक की हेल्प से ही सारा ये डॉट वर्क मंडाला वर्क जो है किया है। फर्स्ट टाइम मैंने ये अपना आर्ट पीस तैयार किया है और आपके साथ शेयर किया है और आप हमें जरूर बताना कि आपको इसकी लुक कैसी लगी है। तक जरूर देखिए ताकि आप कोई भी इसमें कोई टॉपिक्स हैं या पॉइंट्स हैं आप मिस ना कर जाएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हमारी लास्ट ऑलमोस्ट मतलब फिनिश पूरी हो चुकी है। तो उसके बाद मैंने जो लास्ट जो है पर्पल के ऊपर मैंने वाइट वाइट डॉट लगाकर उसकी सर्कल को पूरा कवर किया। उसके बाद अपनी मनपसंद के अकॉर्डिंगली आप डॉट्स बड़े छोटे किसी भी आकार के आप कर सकते हैं और डॉट के बीच डॉट के कलर को भी आप चेंज कर सकते हो या कोई भी कलर हम डॉट के बीच में डॉट 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 लगा कर भी हम उसका अपने आर्ट पीस में और भी इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। तो मुझे ये कलर अच्छे लगे, आप चाहे कोई भी कलर चेंज कर सकते हो, डिज़ाइन पैटर्न चेंज कर सकते हो।
अब जो हमारे बॉक्स के कॉर्नर्स हैं, सभी कॉर्नर्स को मैंने ईयरबड्स के गोल गोल राउंड बना लिए हैं। उसके बाद मैंने इसको 8 पीस को कंप्लीट किया है और टूथपिक की हेल्प से इसको राउंड राउंड सभी चारों तरफ जो गोले हैं हमारे उसको कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद